हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका सीएसआईआर नेट 2023 जून में पूछा गया एमसीक्यू है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इंट्रॉन इन द यूकैरियोटिक जीन्स आर फाउंड इन। ओके, इंट्रॉन की बात की जा रही है कि कहाँ देखने को मिलते हैं। आरआरएनए के जिक्र किया जा रहा है, एमआरएनए का किया जा रहा है और टीआरएनए का किया जा रहा है। तो देखो, आपको तो पता ही है बच्चों इंट्रॉन क्या है। लाइक अगर आप देखोगे इंट्रॉन के बारे में, तो ये देखो, ये आपका अगर अपन देखें, ये डीएनए है हमारा। इस डीएनए के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें इस डीएनए के अंदर एक्सोन आपको देखने को मिलेंगे, इंट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सोन है, इंट्रॉन है, फिर एक्सोन है एंड देन इंट्रॉन है और देन एक्सोन है। एक्सोन हमेशा कहाँ होता है? एंड के ऊपर होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि चाहे आपका जीन कोई से भी हो, चाहे वो एमआरएनए की जीन हो, एमआरएनए की हो, चाहे वो टीआरएनए की हो, चाहे वो आरआरएनए की हो, ठीक है, आपके जो इंट्रोन होते हैं वो सब में प्रेजेंट होते हैं। इंट्रोन आपको हर जगह मिलेगा। आपको पता है इंट्रोन इंट्रोन क्या है? लाइक अगर अपन देखा है, नॉन कोडिंग पार्ट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में करते समय हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? एच एन आर एन ए बनाते हैं, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए बनाते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे कितने एक्सोन बनाए अपने, 1 2 3 4, 4 एक्सोन बनाए, 3 इंट्रॉन होंगे। एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन, कितने? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हमें पता है कि यहाँ से क्या रिमूव होगा। यहाँ से रिमूव होते हैं हमारे इंट्रॉन, इंट्रॉन रिमूव हो जाएंगे एंड एक्सोन क्या होते हैं, इंट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव, और एक्सोन क्या होंगे, लाइगेट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, बताओ क्या? स्प्लाइसिंग। और जब हम क्या बनाएंगे, इसी से अपन स्प्लाइसिंग करेंगे, तो हम इसी से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 7-methylguanine की कैप लगा देता हूँ, यहाँ पॉली ए टेल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बनाया क्या, एम आर एन। ठीक है, अंगे एम आर एन ही बाद में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है। ऐसे अगर आप देखोगे टीआरएनए के स्ट्रक्चर में, अगर आप देखते हो टीआरएनए के, तो टीआरएनए के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, टीआरएनए के स्प्लाइसिंग भी हम पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने टीआरएनए के स्प्लाइसिंग नहीं पढ़ी है, आपने कभी नाम नहीं सुना है, तो आप एक काम करा, मेरे जो तो मॉलिकुलर बायोलॉजी के लेक्चर है, 80+ में लेक्चर है मॉलिकुलर बायोलॉजी के, आप इसमें स्प्लाइसिंग वाला पोर्शन चेक करना। तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है टीआरएनए की स्प्लाइसिंग एंड टीआरएनए प्रोसेसिंग बता रखी है मैंने, विद द हेल्प ऑफ राइबो न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे पी का रोल है, ई का रोल है। ठीक है, अच्छा, मैंने राइबो न्यूक्लियस के बारे में बता रखे, डी का रोल है, ई का रोल है, एफ का रोल है, एंड यहाँ पे राइबो न्यूक्लियस के साथ साथ हमने स्प्लाइसिंग भी एकदम डिटेल में पढ़ रखी है। ठीक है, ऐसे ही हमने आरआरएनए स्प्लाइसिंग भी पढ़ रखी है, क्योंकि आरआरएनए जब हम पढ़ते हैं, तो आरआरएनए के केस में भी आप क्या देखते हो कि आरआरएनए के अंदर जब हम देखोगे, तो आरआरएनए के अंदर भी आपको क्या होती है, कुछ स्पेशल सीक्वेंस होती है, रिमूव होती है। मैंने पढ़ाया है कि आपको, आप लेक्चर देख सकते हो पूरा डिटेल के अंदर, यहाँ पे कुछ स्पेशल सीक्वेंस होती है। ये स्पेशल सीक्वेंस क्या होती है, रिमूव की जाती है, रिमूव की जाती है। इसको हम बोलते हैं कि कोई पार्ट, मतलब कोई काम का नहीं है। लाइक आप देखोगे आरआरएनए के अंदर 45S rRNA की जीन होगी, वो बाद में कन्वर्ट होती है 45 से हम 41S rRNA की जीन बनाएंगे, और 41 से हम क्या करेंगे, इसको भी दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, लाइक 32S rRNA और 20S rRNA। इससे 20S से तो बना लेंगे अपन 18S rRNA, और 32 से बनाएंगे हम, बताओ क्या? एक तो बनाएंगे 28S rRNA, और इससे बनाएंगे हम क्या, 5.8S rRNA। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्ट रिमूव तो हो रहा है आरएनए, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपका जो आरआरएनए की प्रोसेसिंग हो, या आपकी टीआरएनए की प्रोसेसिंग हो, या आपकी एमआरएनए की प्रोसेसिंग हो, तीनों ही केस के अंदर आपको इंट्रॉन रिमूवल तो देखना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या कि आरआरएनए एंड एमआरएनए एनकोडिंग जीन बट नॉट टीआरएनए एनकोडिंग जीन। तो ये तो एक तरह से क्या हो जाएगा, हमारे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है हमारा। नेक्स्ट देखो, एमआरएनए एंड टीआरएनए एनकोडिंग जीन बट नॉट द आरआरएनए एनकोडिंग जीन, ये भी रॉन्ग है। एमआरएनए एनकोडिंग जीन बट नॉट द टीआरएनए एंड आरआरएनए एनकोडिंग जीन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जो बचेगा वो होगा आरआरएनए टीआरएनए एंड एमआरएनए एनकोडिंग जीन। ओके, क्वेश्चन क्या था, इंट्रॉन्स इन द यूकेरियोट जीन आर फाउंड इन, आरआरएनए में भी होगा, टीआरएनए में भी होगा, एमआरएनए भी के अंदर भी होगा। तो ऑल ऑफ द
अब हम बोल सकते हैं आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।